इसकी चाय छोड़ो, क्या खरीदू ये बताओ। डालो टाटा का कोई भी शेयर, ज्यादा सोचो मत, पुरानी कंपनी, आज नहीं तो कल फायदा ही देगी। सो स्कैम 1992 वेब सीरीज का ये सीन तो आपने देखा ही होगा, और इस क्लिप को देखकर और इसे मोटिवेट होकर कल मार्केट खुलते ही टाटा का शेयर बाय मत कर लेना, नहीं तो बहुत बुरा फंसोगे। किसी शेयर को राइट प्राइस और राइट टाइम पे बाय करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज इस वीडियो में टाटा ग्रुप के ऐसे एक स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे जिसने अभी तक 6,676% का रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर इस स्टॉक में आपने 2000 में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 14 लाख रुपए होते। 1954 से 1991 तक ये स्टॉक अपने बिजनेस में मार्केट लीडर था विद अ मार्केट शेयर ऑफ 40%। बट 1991 से 2001 के बीच ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी शटडाउन होने के कगार पे आ गई, और सिर्फ ये 10 सालों में मार्केट शेयर 40% से घटकर 6% पे आ गया। और फिर 2001 के बाद आज तक इस कंपनी ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई और क्या चेंजेस किए अपने बिजनेस में कि कमबैक कर 10 कंसेक्यूटिव ईयर से अब ये मार्केट लीडर है विद अ मार्केट शेयर ऑफ 30%। और भी ऐसे बहुत सारे फैक्ट है जिनको सुनकर आप शॉक हो जाएंगे और ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन आपको सीखने को मिलेंगे जो आप अपने पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में स्टॉक के हम बिजनेस मॉडल, पास्ट हिस्ट्री, फ्यूचर ग्रोथ, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले यस बैंक के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि यस बैंक का लॉक इन पीरियड ओपन होने के बाद क्या होगा, फ्यूचर में ये किस तरीके से परफॉर्म करेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपसे मिस ना हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक शेयर का नाम गेस कर लिया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अभी तक इस शेयर के बारे में नहीं पता तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोल्टास के बारे में। और ये टाटा ग्रुप का एक बहुत अच्छा स्टॉक है, बट आप में से ऐसे काफी लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि वोल्टास टाटा ग्रुप का एक स्टॉक है, क्योंकि टाटा ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स होते हैं मैक्सिमम स्टॉक के आगे टाटा एड रहता है, जैसे टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा पावर, टाटा मोटर एक्सेट्रा। बट फिर भी वोल्टास के आगे टाटा नाम एड क्यों नहीं है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। टाटा कंपनी की शुरुआत 1954 में मुंबई में हुई थी विद द जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ टाटा सन्स एंड वॉलकॉट ब्रदर्स। इसलिए वॉलकॉट ब्रदर्स का वॉल और टाटा सन्स का टैक्स, इन दोनों को ऐड करके इस कंपनी का नाम रखा गया वोल्टास। वोल्टास एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चर करने वाली इंडिया की फर्स्ट कंपनी हुआ करता था। बट आप लोगों को लगता होगा कि वोल्टास सिर्फ और सिर्फ एसी बेचा करता था, ऐसा नहीं है। वोल्टास अपने इनिशियल स्टेज पे सिर्फ एसी ही नहीं, बेवरेजेस, टेक्सटाइल मशीन, माइनिंग इक्विपमेंट्स के भी बिजनेस में हुआ करता था। बट ये सारे बिजनेस उन्हें डाउन करने पड़े, इसके पीछे रीजन क्या था वो हम आगे जानेंगे। दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वोल्टास 1954 से 1991 तक इन 37 सालों में 40% मार्केट शेयर के साथ मार्केट लीडर हुआ करता था। इन 1991 इंडियन इकोनॉमी ओपन अप, इंडिया इज ऑन द मूव अगेन, वी शैल मेक द फ्यूचर हैपन। जुलाई 1991, इंडिया किक्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स टू अनलीश इट्स इकॉनमी फ्रॉम द स्टाइफलिंग रिजिडिटी ऑफ द सोशलिस्ट एरा। We have to harness all our latent resources for a second industrial revolution. We have to accept the need for restructuring and reform if we are to avoid an increasing marginalization of India in the evolving world economy. लिबरलाइजेशन होता है इंडियन इकोनॉमी का, जिसकी वजह से ग्लोबल जायंट्स भी एंट्री लेते हैं इंडियन इकोनॉमी में, जैसे एलजी, सैमसंग, ब्लू स्टार। न्यू कंपनी की एंट्री लेने के बाद न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट और एयर कंडीशन सिस्टम लॉन्च होते हैं, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव, बेटर डिजाइन के साथ। लिबरलाइजेशन से पहले इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करती थी, रिटेल सेगमेंट में एयर कंडीशन की डिमांड बहुत ज्यादा कम हुआ करती थी, कमर्शियल और कॉर्पोरेट ही इसे यूज किया करते थे बिकॉज ऑफ कॉस्ट। और इसी वजह से वोल्टास उस वक्त कमर्शियल और कॉर्पोरेट एयर कंडीशन पर ही फोकस किया करता था, उसने रिटेल सेगमेंट को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद जितनी भी नई कंपनी आई वो सारी कंपनी रिटेल सेगमेंट पे फोकस करने लगी और वोल्टास उसे कंप्लीट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वोल्टास के जो मार्केट शेयर थे वो 40% से घटकर 6% पे रह गए। सेम सिचुएशन फेस करना पड़ता है वोल्टास को अपने सारे बिजनेस के साथ। वोल्टास फेल हो जाता है सभी जायंट्स कंपनी के साथ कंप्लीट करने में, और वोल्टास बेवरेजेस, माइनिंग इक्विपमेंट्स और टेक्सटाइल मशीनरी के बिजनेस को शटडाउन कर देता है और फोकस करता है अपने कोर बिजनेस एयर कंडीशन और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस पर। इन लेट 1990 वोल्टास अपने माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बिजनेस को बेच देता है कामसेतु कंपनी को, जो जापान में एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। फिर 2001 में टेक्सटाइल मशीनरी बिजनेस बेच देता है लक्ष्मी वर्क ग्रुप को, जिसका आज का प्रेजेंट नाम वोल्टास लक्ष्मी है। बट आप ये मत सोचने लग जाना कि दोनों कंपनी एक है, वोल्टास लक्ष्मी एक सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम वोल्टास लिमिटेड। इसी तरह वोल्टास ने अपने बेवरेजेस बिजनेस को 2015 में एक प्राइवेट इक्विटी फर्म को बेच दिया। और अगर हम नंबर
आंकड़ों की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 1995 में कंपनी का टर्नओवर 811 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 2000 तक 7% एनुअली इंक्रीज हो रहा था, लेकिन ये ग्रोथ मार्केट कंपटीटर के कंपैरिशन में बहुत कम थी। और प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 1995 में 22 करोड़ थी और वो गिरकर फाइनेंशियल ईयर 2000 तक 5 करोड़ तक रह गई। तो टाटा के सामने सिचुएशन आ गई थी कि उन्हें ये बिजनेस बंद ना करना पड़ जाए। तो 2001 में 6% मार्केट शेयर के साथ ये बंद होने के कगार पे था और नेक्स्ट 10 ईयर्स में 2012 में मार्केट लीडर बन जाता है और अपने सारे कंपटीटर को पीछे छोड़ देता है। तो इस ग्रोथ के पीछे क्या कारण था और ऐसी क्या स्ट्रेटजी थी जो कंपनी ने अपनाई, चलो उसको समझते हैं। टाटा ग्रुप ने स्ट्रेटजी का नाम दिया टाटा बिग बैंग स्ट्रेटजी। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लेजेंडरी बनाने के लिए 6 पॉइंट पे ध्यान दिया जाता है, कॉस्ट, डिजाइन एंड प्रोडक्ट, एफिशिएंसी, ब्रांडिंग, सर्विस, चैनल। वोल्टास कंपनी के पास लोअर एंड मार्केट के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं थे। एक मिडिल क्लास आदमी 15,000 से 20,000 की रेंज में एसी चाहता था, बट इस रेंज में प्रोडक्ट ना होने की वजह से उनको कूलर लेना पड़ता था। वोल्टास के प्रोडक्ट और डिजाइन इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे जिसकी वजह से लोग उसे डब्बा बोलकर ट्रॉल करते थे, जिसकी वजह से वोल्टास अपने कॉस्ट और प्रोडक्ट को टैकल करने के लिए वोल्टास इंटरनेशनल पार्टनरशिप करता है विद द लार्जेस्ट एसी मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड Faddis International के साथ। Faddis International के पास थी अच्छी टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ फ्रॉम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसका फायदा वोल्टास को मिला और उससे हमने कॉस्ट और डिजाइन दोनों को इंप्रूव किया। इस पार्टनरशिप के बाद वोल्टास को एक नया डिजाइन और कॉस्ट मिलता है और वोल्टास अपने प्रोडक्ट के प्राइस को 20% डिक्रीज करने में सक्सेसफुल होता है और साथ ही साथ बहुत सारे डिफरेंट फीचर अपने कस्टमर को सेम रेट पे ऑफर करता है। वोल्टास और भी डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक फ्रॉम चाइना, ताइवान, जापान, मलेशिया के साथ भी अपनी पार्टनरशिप करता है और इनके साथ मिलकर 0.6 टन से लेकर 0.8 टन के एसी लॉन्च करता है, और जिसकी वजह से जो कूलर खरीदने वाले लोग थे जो बजट के चक्कर में एसी नहीं खरीद पाते थे, अब वो भी एसी खरीद सकते थे। ऐसे ही बहुत स्मार्टली वोल्टास अपने टू मेजर इश्यूज, कॉस्ट एंड डिजाइन को टैकल करता है। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, वो है एफिशिएंसी। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी जो बहुत ज्यादा फेमस है कि हाथी पालना कोई बड़ी बात नहीं है बट उसे खिलाना बहुत बड़ी बात है। इंडियन फैमिलीज एसी तो खरीद लेती है बट उनके सामने मेजर इश्यू जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ। मान लो आप अपने पापा के साथ फोन खरीदने जाते हैं और शॉपकीपर आपके पापा को बोलता है कि इस फोन की बैटरी 5000 मेगावाट की है। क्या आपके पापा इसका मतलब ठीक से समझ पाएंगे? इसका आंसर है नहीं। अगर वही शॉपकीपर आपके पापा को बोलता है कि इस फोन की बैटरी 2 दिन तक चलेगी तो आपके पापा इसका मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो यही माइंड गेम वोल्टास ने अपने कस्टमर के साथ खेला। वोल्टास की टीम ने रिसर्च किया और ये पता लगाया कि एक इंडियन आदमी मिनिमम कितना बिल पे करने के लिए रेडी हो सकता है। तो उन्हें पता लगा है कि अगर वो बिल को, एसी के बिल को लेस देन 1000 कर देते हैं तो वहां से वो अपनी जो एसी की जो डिमांड है उसको ट्रिपल कर सकते हैं और वो उस डिमांड को 30 लाख यूनिट तक ले जा सकते हैं। वोल्टास की इंजीनियरिंग टीम सक्सेसफुली इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कंट्रोल कर पाई और इसके साथ साथ वोल्टास की जो सेल्स टीम थी वो काफी ज्यादा एजुकेटेड थी और वो कन्विंस कर पाई इंडियन सिटीजन को इलेक्ट्रिसिटी बिल के मैटर पे और इंडियन सिटीजन को कंफर्टेबल बनाया एसी परचेस करने में। और ये सब पॉसिबल करने में वोल्टास का डिफरेंट एडवर्टीजमेंट और कैंपेन ने भी बहुत ज्यादा हेल्प करी। डिफरेंट एड कैंपेन से आपको एक करेक्टर याद होगा जिसका नाम था मूर्ति, जिसका ट्रांसफर होने में वो बार बार एसी लेकर घुमा करता था। दोस्तों अभी तक हमने जाना कि वोल्टास ने अपनी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया और अब हम आपको बताएं कि वोल्टास ने अपने ब्रांड वैल्यू को कैसे बढ़ाया। किसी भी कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस पे कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट का इमेज बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जहां पर कुछ नई कंपनीज आ रही थी नए प्रोडक्ट नए डिजाइन के साथ और वोल्टास को लेकर लोगों के माइंड में एक ही बात थी कि ये एक पुरानी इंडियन कंपनी है और एसी के नाम पर डब्बा बेचती है। अब इस इमेज को चेंज करना वोल्टास के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कुछ साल पहले हमारे घर में बड़े बड़े टीवी हुआ करते थे डब्बे वाले, मॉनिटर हुआ करते थे वो भी डब्बे वाले होते थे, कीपैड हम फोन यूज करते थे। तो उस वक्त पे ब्रांड ने एक नया वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया, वो था स्मार्ट। जैसे स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट फैन, स्मार्ट होम मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, स्मार्ट वर्ड ऐड करने में उन्होंने अपनी सेल्स में ग्रोथ किया। पब्लिक को कोई मतलब नहीं है कि इस प्रोडक्ट का क्या फीचर है, बस उन्होंने स्मार्ट नाम सुना और उस प्रोडक्ट को खरीद लिया। जैसे कि अभी के टाइम पे AI वर्ड बहुत फेमस हो रहा है जिसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा वर्ड है जो अभी क्रिएट हो रहा है और AI के नाम पे आने वाले वक्त पे कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी। तो इसी पब्लिक के माइंडसेट को वोल्टास ने बहुत ही स्मार्टली अपने प्रोडक्ट की इमेज को सुधारने के लिए यूज किया। उसी टाइम पे वोल्टास ने आर्टिफिशियल कूलिंग, यूनिफॉर्म कूलिंग, एनर्जी सेविंग, टाइमर, एयर फिल्टर जैसे वर्ड क्रिएट किए जिससे व्हाइट डब्बे का इमेज चेंज हुआ,
फीचर लोडेड एयर कंडीशन में। 2012 में कंपनी लॉन्च करती है ऑल वेदर एसी, जो कि कंपनी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक निकलता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था एडवर्टीजमेंट के बारे में कि वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है कंपनी की ब्रांडिंग में। और अब आते हैं लास्ट में अपने टू पॉइंट्स पे, सर्विस और चैनल। वोल्टास ने सच में अपनी आफ्टर सेल सर्विस पे बहुत ज्यादा फोकस और काम किया। अब वो जो सर्विसेज है खुद ना करते हुए उसने कुछ डीलरशिप चैनल डेवलप किए, डीलरशिप को बहुत ही इंसेंटिव दिए, उन लोगों को एजुकेट किया अबाउट कस्टमर सर्विसिंग सपोर्ट, हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप विद कस्टमर। ये सभी एसी खरीदने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिसको हर कस्टमर नोटिस करता है। वोल्टास कंपनी ने अपनी बिग बैंग स्ट्रेटजी में सारे पॉइंट्स पर फोकस किया और आने वाले 12 साल में फिर से मार्केट लीडर बना। तो इस स्ट्रेटजी का रिजल्ट हम डायरेक्ट कंपनी के मार्केट शेयर पर देखने लगे। जहां 2001 में कंपनी का मार्केट शेयर 6-7% था, वहां 2005 में बढ़कर 10% हो गया। उसके बाद 2010 में कंपनी का मार्केट शेयर 15% हुआ। 2013 में अगर हम बात करें तो कंपनी का मार्केट शेयर 18.3% हुआ और अभी 2022 के एंड में कंपनी का मार्केट शेयर 26% था। तो अभी तक इस वीडियो में हमने वोल्टास कंपनी के तीन फेजेस को देखा। पहला, कैसे उसने ग्रोथ किया, फिर कैसे इसमें डाउनफॉल देखने को मिला, और फिर कैसे वोल्टास कंपनी ने अपने बिजनेस में कमबैक किया। अब बात करते हैं फ्यूचर में वोल्टास कितना ग्रो कर सकता है। अगर हम स्टैट्स को देखें तो 2022 में 24% हाउस होल्ड ऐसे हैं जो एयर कंडीशन और कूलर ऑन कर सकते हैं। अभी 76% हाउसहोल्ड अभी अनटच्ड हैं। तो जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है वैसे वैसे लोगों की जो सैलरीज है वो इंक्रीज होगी, तो 76% का जो नंबर है वो भी जल्दी रिड्यूस होगा। लेकिन वोल्टास में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सीजनैलिटी फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस कंपनी के लास्ट ईयर के कुछ नंबर अच्छे नहीं है और कंपनी का बाकी सेगमेंट जैसे कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट कभी कभी प्रॉफिट भी कम कर देते हैं। अगर आप मेरा इस पे ओपिनियन मांगते हैं तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल कुछ ना कुछ परसेंट गर्मी बढ़ती है, तो उसके बाद एयर कंडीशनर जो है वो लग्जरी नहीं बल्कि एक नीड बन जाएगा आम पब्लिक की। और हमेशा ऐसे बिजनेस पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो बिजनेस पब्लिक के लिए नीडफुल हो। लेकिन आप इसको मेरी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस मत समझिएगा, यहाँ पे मैं कोई आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक रिसर्च करी है और रिसर्च आपके साथ शेयर करी है, आप भी अपनी रिसर्च करिए और रिसर्च करने के बाद आप चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम टेक्निकल देखें तो ये रहा आपके सामने वोल्टास का चार्ट, आप इसको थोड़ा डीप में एक्युमुलेट करके चल सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 860, उसके बाद 800 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हमने ऑलरेडी वोल्टास को अपने स्टूडेंट के साथ 742 के रेट पे इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर किया था विद स्टॉप लॉस और जस्ट 736, दैट इज 6 पॉइंट्स ओनली, और वोल्टास ने उसके बाद हाई बनाया 927.40। तो ऑलरेडी वोल्टास अपने बाइंग लेवल से 25% अप है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि जब ऑलरेडी 25% है तो फिर हमें क्यों शेयर कर रहे हो। दोस्तों, इस स्टॉक में अभी भी हमें इसमें बहुत पोटेंशियल ग्रोथ देख रहे हैं, इसीलिए आपके साथ शेयर किया। जब कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। और आप वोल्टास जैसे शेयर को सीजनैलिटी फैक्टर को भी यूज कर सकते हैं एक अच्छे स्विंग ट्रेड के लिए, जैसे हमने यूज किया था और इजिली 25% तक का रिटर्न मिला। और अगर आप भी हमारे लर्न एंड अर्न के चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ वोल्टास ही नहीं, इसके अलावा ऐसे काफी सारे स्टॉक है जो हमने आपके साथ शेयर करे और उसमें कितना रिटर्न मिला वो आप इस एक्सेल शीट में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आप कौन से स्टॉक की एनालिसिस चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं जिसमें हमने रिलास्टिंग एंड प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन डिस्कस किया है, विच कैन हेल्प यू ग्रो योर मनी एंड द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग फैंटास्टिक वेल्थ फ्रॉम द स्टॉक मार्केट।